एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट योर मोस्ट अवेटेड मूवी कॉल्ड द बैटमैन, जिसकी स्टार कास्ट में शामिल है मिस्टर रॉबर्ट पैटिंसन, जिन्होंने हैरी पॉटर में सेडरिक डिग्री, ट्वाइलाइट में एडवर्ड कलेन और साथ ही टेनेट में नील का रोल प्ले किया था। और अब जब स्टार कास्ट इतनी दमदार है तो मूवी तो शानदार होनी ही है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम हैलोवीन की रात को देख पाते हैं। और इसी रात को गौतम सिटी के मेयर की डेथ हो जाती है, और जिसने इनका कत्ल किया था उसका नाम था रिडलर। बेसिकली ये एक सीरियल किलर है जो कि गौतम सिटी के बड़े और अमीर लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। और इसकी खास बात ये थी कि ये जब भी किसी को मारता था तो पीछे एक क्लू छोड़ जाया करता था, और इस बार भी उसने वैसा ही किया। अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम आती है तो वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है हैवंट फाइंड अ क्लू, लेट्स प्ले अ गेम, जस्ट मी एंड यू, और साथ ही उसमें कुछ कोड वर्ड्स भी लिखे होते हैं। और सबसे खास बात तो ये थी कि हर वक्त वो क्लू और किसी के लिए नहीं बल्कि बैटमैन के लिए ही होता था। बेसिकली रिडलर ने बैटमैन को सीधा चैलेंज दिया होता है अपने हर क्लू के साथ अगले मर्डर के लिए, ताकि अगर बैटमैन उस अगले शिकार को बचा सके तो बचा ले। इस मैसेज के थ्रू बैटमैन और साथ ही पुलिस वाले रिडलर के अगले शिकार का पता लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही बैटमैन और साथ ही पुलिस वाले उस शख्स का पता लगाकर उसे बाहर निकालते हैं, तभी रिडलर आकर उस शख्स को जान से मार डालता है, क्योंकि ये पूरा ही रिडलर का ही प्लान था। वो तो बस इंतजार कर रहा था अपने शिकार को बाहर लाने का, जिसमें अनवांटेडली बैटमैन और साथ ही पुलिस वालों ने ही उसका साथ दे डाला। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जब मेयर की डेथ देखी थी तो वहां पर रिडलर ने मेयर के हाथ से उसका अंगूठा काट लिया था, और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि शहर का मेयर काफी बुरा और अय्याश इंसान था। साथ ही उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था, और जिस लड़की के साथ में मेयर का अफेयर चल रहा था उस लड़की का नाम था एनिका, और वो लड़की एनिका सेलिना कायल की रूममेट थी। सेलिना कायल यानी कि कैट वुमन। बेसिकली ये दोनों ही लड़कियां आइसबर्ग लॉन्च में वेटर का काम किया करती थी, और इस आइसबर्ग लॉन्च का मालिक था ऑसवर्ल्ड कॉवरकोट यानी कि द पेंगुइन। मेयर की डेथ के बाद में बैटमैन और साथ ही गॉर्डन को एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसके बाद में ये दोनों पेन ड्राइव के डेटा को चेक करते हैं, और तब उन्हें उस पेन ड्राइव के अंदर मेयर की एक वीडियो मिलती है जिसमें मेयर और साथ ही एनिका आइसबर्ग लॉन्च से साथ में निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात ये थी कि जब ये दोनों इस वीडियो को देख रहे थे तभी ये वीडियो पब्लिकली पब्लिश हो जाती है। हर न्यूज चैनल के अंदर अब ये वीडियो दिखाया जा रहा था, जिसके बाद पूरे गौथम सिटी के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि मेयर एक अय्याश इंसान था। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में बैटमैन खुद आइसबर्ग लॉन्च पहुंचता है, लेकिन पेंगुइन के लोग उसे अंदर आने से रोकते हैं। तभी वहां पर बैटमैन और उन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट हमें दिखाई जाती है, जहां पर बैटमैन अकेले ही उन सभी को धूल चटा देता है, जिसके बाद अपने लोगों को पिटता देख पेंगुइन खुद आगे आता है और कहता है कि तुम आखिर यहां पर क्यों आए हो। तो बैटमैन उसे एनिका के बारे में पूछता है, लेकिन वो बैटमैन को कुछ नहीं बताता। उसी दौरान वहां पर बैटमैन को कैटवुमन भी दिखती है यानी कि सेलेना, और वो उसका पीछा करने लगता है। यहां तो कैटवुमन का कुछ और ही प्लान था, और वो सीधा अपना कॉस्ट्यूम पहनकर फाल्कन के घर पहुंचती है और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश करती है, मगर वहां से वो